हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटोएरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए 2022 का जो अपडेटेड वर्जन एक्सेल 6 आया है वो लेकर आया हूँ। तो फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं, ऑफकोर्स टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस है। और अगर मेरी सिटी में इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेशन 15,10,000 ये जाएगा। 6 कलर्स में अवेलेबल है, सिंगल टोन में, और 3 कलर्स में आपको ड्वेल टोन पैटर्न में मिल जाएगा। और वेरियंट जैसे जेटा अल्फा और अल्फा प्लस जो मैं बताया, नया अपडेशन जो है। सबसे पहले इसके इंजन से शुरुआत करते हैं कि क्या डिफरेंस इसके मेन इंजन में देखने मिला है। तो 1.5 इनलाइन 4 सिलेंडर का ड्यूल जेट अब इसमें आ गया। पहले पीवीटी नहीं आता था, पर अब इसे ऐड कर दिया गया। तो पावर में भी थोड़ा अगर चेंजेस आएगा तो वो भी मैं आपको टैली करा देता हूँ। तो इसमें पावर 101.65 BHP का था पहले, और अब थोड़ा सा वो रिड्यूस होकर 1.55 BHP कम हुआ है। और टॉर्क 136.8 Nm से 1.2 Nm थोड़ा सा वो कम हुआ है। फिर अब इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे फ्रंट में यहाँ पर पूरा जो LED का सेटअप था, सेम वही आपको मिलते हैं। प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है इसका। जो डिफरेंस आया पहले, आप देखते होंगे कि इसमें एक सिंपल लाइन हुआ करता था, बट अब हल्का सा ये चेंजेस इसमें ब्लैक पैटर्न में आपको देखने मिलते हैं। और जो सामने का ग्रिल है वो भी चेंज होते हुए दिखेगा। अब इस चेंज को जो कंपनी की तरफ से नाम रखा गया वो मैं बता देता हूँ। तो बोल्ड फ्रंट ग्रिल विथ स्वीपिंग एक्स बार एलिमेंट इसका नाम दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें क्रोम टच यहाँ जैसे आप नीचे देख रहे होंगे वो भी चीज़ बढ़ जाता है। और नीचे फॉग लैंप्स का सेटअप कुछ इस प्रकार से है, और बम्फर कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा। साइड का लुक आप टैली करेंगे तो साइड में कुछ अट्रैक्टिव चीज़ दिख रहे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है इसका अलॉय व्हील का सेटअप। और ये अलॉय व्हील के सेटअप में ऑफकोर्स आपको सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो मोनो मिलता है। और जो वेंडर्स के टायर्स हैं, इसके सेक्शन को अगर मैं एक बार टैली करूं तो 195/60 R16 inch के अब आपको टायर सेक्शन मिलेंगे, जो इस ग्रिपिंग के साथ आते हैं, विच इज़ रियली गुड। और जैसे अभी फ्रेश व्हीकल है, फ्रेश व्हीकल के साथ में काफ़ी हल्का सा सूखापन ना देते हुए थोड़ा गीलापन दिख रहा है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में काम करेगा। फिर साइड का ये पोर्शन आप देख रहे होंगे, लहर की तरह वहाँ होते हुए जाएगा। और ऑफ कोर्स ये टॉप मॉडल है, तो यहाँ पर आपको क्रोम टच ही मिलता है। अंदर जैसे मैं पोर्शन दिखाऊँ तो क्या क्या चीज़ें अब चेंज हुई हैं वो एक बार टैली कर लेते हैं। तो आप ये डैशबोर्ड पैटर्न देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें अब आपको एक अपलिफ्टमेंट वाला डिज़ाइन मिलता है, एंड इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव इन एवरी वे। जो साइड पैटर्न भी आप देख रहे होंगे, जो ये भी खूबसूरत आपको लगता है। डैशबोर्ड जैसे आप टैली करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये जो हल्का सा पैटर्न दिख रहा है, ये क्या पैटर्न है? तो कई लोग के दिमाग में रहेगा सनमाइका, बीनियर या टाइल्स पैटर्न वाला कुछ दिख रहा है, तो क्लासीनेस है। जैसे क्लोज में मैं ये छोटे छोटे टेक्सचर आपको दिखाऊँ ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। सेम आपको वही स्क्रीन मिलता है, और जो MID इंफॉर्मेशन है सेम एज इट इज़, जैसे पीछे वाले में था वैसे ही आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। कुछ डिफरेंस इसमें आपको नहीं मिलते हैं। और डिफरेंस अंदर में एक और मेजर चीज़ में ये मिल जाता है कि अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स दिए हुए हैं। ये वेंटिलेटेड सीट्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये पोर्स, ये बहुत ही कम पैमाने में हल्का सा हवा देते हैं, जो आने वाले समय में जब कभी भी बैठते समय जैसे गर्मियाँ होती है तो पसीने जो बहते हैं उसमें, उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। और ये वेंटिलेटेड सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो एक वेंटिलेटेड सीट्स का ये भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग सीट कवर लगाना चाहते हैं, जैसे ब्लैक कलर के अलावा उन्हें दूसरा पसंद है और थोड़ा चाहते हैं कि वो डिफरेंट हो, तो उस डिफरेंस के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इस वेंटिलेटेड सीट्स का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और थोड़ा केयरिंग बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे आप रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको लंबे समय के लिए इसका साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप सीट्स कवर लगाते हैं तो इस चीज़ जो वेंटिलेटेड अभी इसमें नया अपग्रेडेशन में दिया है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर यहाँ मारुति सुजुकी का लोगो मोनो है। इधर मोड्स कंट्रोल के लिए दिए हुए हैं, जो कि वॉल्यूम अप और डाउन के लिए आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रीन के टचिंग के लिए ये दोनों यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। और राइट साइड का कंट्रोल, यहाँ पर आपको MID से रिलेटेड हर चीज़ें मिल जाएंगी। एक ग्लेंस में, इसी के इवेंट्स में भी आप देख रहे होंगे, तो जिन्हें अपग्रेडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर ये रहे साइड जो ड्राइवर के कंट्रोलिंग के लिए मिलते हैं, जिसमें पावर विंडो का ऑप्शन है, जो पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्मेशन पे दिया हुआ है। पीछे जैसे देखेंगे तो पीछे क्या चेंजेस है, तो एज इट इज़ आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो सामने प्रोवाइड कराए गए हैं। और अफेक्टिव है,
और ये सिक्स सीट होने का ये फ़ायदा रहता है कि कभी भी आप बैठते हैं ना तो एक हल्का सा गज़ब प्रीमियम फील देता है। और वही चीज़ यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे, जैसे अर्टिका में आप देख सकते हैं, और दूसरे से ना कंपेयर करते हुए इसी की कंपनी से कंपेयर करूँ तो हल्का सा वो शाबी और शैलो थोड़ा शांत दिखता है, पर वहीं पर जैसे इसमें देखेंगे तो ये जो हाथ रखने के लिए दिए हैं ये छोटे मोटे चीज़ इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हीकल। और जैसे लमसम मैं अगर इसकी बात करूँ तो फ़िलहाल पावर ओवर से मैंने आपको टैली करा दिया। इसके अलावा दूसरा चीज़ मैं बताऊँ तो एक चीज़ और था, पैडल शिफ्ट भी इसमें अब मिलते हैं, पर वो चीज़ आप नोटिस करिएगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन आप लेते हैं जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है तो उसमें प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, आपको 6 AMT 4 AMT के ऑप्शन जो है उसके साथ आपको लेना पड़ेगा, तब आपको पैडल शिफ्ट भी मिल जाएगा। माइलेज अप्रॉक्सीमेशन उम्मीद कर लीजिए 19-18 अप्रॉक्स, और पीछे के पोर्शन को भी मैं एक बार टैली कर लेता हूँ। पीछे सेम अलावा का सेटअप आपको ऐसे मिलेगा, डिफरेंस अब यहाँ भी आने लग गया है। पहले आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से जो लहर ये रेड वाली जा रही है वो यहाँ तक जाके पूरा पीछे जाती थी, अब ये जो बीच का फॉर्मेशन है ये वाला पोर्शन इसको थोड़ा सा ब्लैकिश में रखा गया तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। सेम वही हाइब्रिड और एक्सेल 6 का क्रोम टच में आपको मिल जाता है नाम, और पीछे से लुक देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहेगा। जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है आई थिंक ये वाला पोर्शन जो अभी न्यू अलॉयल के साथ आया है वो अट्रैक्टिव लगता है, और जो थोड़ा सा आपको दबा दबा लग रहा है वो ये वाला पोर्शन जो नीचे का मैं बता रहा था अब हल्का सा आपको ब्लैकिश फॉर्मेशन में मिलता है, जिसके कारण इस ब्लू कलर के साथ और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो ये था क्विक डिटेल अबाउट दी XL6, आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए।